वेलकम बैक टू हेल्थ इन 100, जहां मैं बना रही हूँ होलसम न्यूट्रिशियस खाना, वो भी 100 रुपए के अंदर। मैं जब ट्रैवल करती हूँ तो आई ऑलवेज गेट अ स्वीट क्रेविंग, और यही हाल मेरे बच्चों का भी है। ये एंश्योर करने के लिए कि उनकी स्वीट क्रेविंग्स और हेल्थ बनी रहे, इंस्टेड ऑफ बाइंग स्वीट्स एट द एयरपोर्ट, आई हैव फाउंड दिस परफेक्ट रेसिपी ऑफ द मोस्ट डिलेक्टेबल सिनेमन रोल्स। सिनेमन इज अ ब्यूटिफुल स्पाइस विद अ हिंट ऑफ स्वीटनेस, एंड सिनेमन रोल्स हैव बिकम माय फैमिलीज फेवरेट फ्लाइट ट्रीट। एंड ऑफ कोर्स बना मैं रही हूँ, सो आई विल डेफिनेटली फिट इट इन 100। सबसे पहले ले रही हूँ मैं ये गर्म पानी, तकरीबन क्वार्टर कप पानी है मेरे पास। लेकिन खास ख्याल हमें इस बात का रखना है कि पानी कितना गर्म होना है, इतना गर्म कि अगर आप उंगली डालें तो आपकी फिंगर इस टेम्परेचर को बर्दाश्त कर पाए। अगर इससे ज़्यादा पानी गर्म हुआ तो ये ईस्ट मर जाएगी, एक्टिवेट नहीं होगी। मैं ले रही हूँ इसमें 1 टीस्पून ईस्ट। इसी के साथ साथ इसे मुझे देना है थोड़ा सा खाना भी, मैं ले रही हूँ इसमें ये 1 चम्मच शुगर भी। शुगर और ईस्ट को पानी में मिक्स करके हम रख देते हैं एक साइड में तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए अनडिस्टर्ब्ड, ताकि ये एक्टिवेट हो जाए। ये मैंने यहाँ पे लिया है मैदा, इस मैदे में मैं डालूंगी चीनी, और ये ईस्ट जो एक्टिवेट हो चुकी है, देखिए कितने अच्छे से ये ब्लूम कर गई है। अब ये ईस्ट इसमें डालते हैं। इसी के साथ मैं मिलाऊंगी इसमें दूध, साथ ही साथ मैं डाल रही हूँ इसमें 1 अंडा भी। अगर आप वेजिटेरियन हैं और अंडे का इस्तेमाल नहीं करती हैं तो यू कैन स्किप द एग। और अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करेंगे और जब ये मिक्स हो जाएगा तो इसके साथ मैं इसमें डालूंगी बटर भी। तो थोड़ा थोड़ा सूखा मैदा इसमें मिलाते जाइए और इस डो को एक स्मूथ से डो में शेप करते जाइए। तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए इसको मैं अच्छे से नीड कर लेती हूँ, और नीड करने के बाद हम इसे रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए कवर करके इन सम वॉर्म प्लेस, ताकि ये राइज हो जाए इतना, बिल्कुल डबल द बोल साइज। तो ये देखिए मेरा डो कितने अच्छे से राइज हो गया। अगर मैं इसको अपने फिंगर से पंचा करूं तो ये डो वापस स्प्रिंग नहीं करना चाहिए, इसमें एक गड्ढा हो जाना चाहिए। अपने सरफेस को मैं अच्छे से डस्ट कर लेती हूँ, और अब इस डो को मैं रोल आउट करूँगी एक रेक्टेंगल ऐसे, पहले हाथ से स्प्रेड करके फिर एक रोलिंग पिन के साथ। जब आप इसे रोल आउट करें, हाथ से इसे रेक्टेंगल शेप में रेडी करते जाएं। और अब इस रोल आउट शीट पे मैं फैलाती हूँ थोड़ा सा मेल्टेड बटर। आपको इंश्योर ये करना है कि पूरे के पूरे सरफेस पे बटर जो है वो अच्छे से लिबरली स्प्रेड हो जाए। मेरे पास है यहाँ पर ये कैस्टर शुगर, और है यहाँ पर सिनेमन पाउडर। कैस्टर शुगर नहीं है आपके पास, आप घर में चीनी पीस लीजिए, आप उससे काम कर सकते हैं। तो तकरीबन 1/2 कप कैस्टर शुगर में मैं मिला रही हूँ ये 2 छोटे चम्मच सिनेमन पाउडर, और इसे अच्छे से मैं मिक्स कर लेती हूँ। और अब ये जो सिनेमन शुगर है इस पर बहुत लिबरली मैं डस्ट कर दूंगी। और अब बारी आती है इस पर स्प्रिंकल करने की कुछ किशमिश। आप चाहें तो, अगर आपको किशमिश नहीं डालनी है तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास है कुछ ये किशमिश जो मैं इसके ऊपर डाल दे रही हूँ। और अब इसे हम रोल कर लेंगे। ये जो ओपन एंड है इसको हम सबसे नीचे रखेंगे, और इसको आप प्रेस करके इक्वल कर लीजिए, और किसी शार्प नाइफ के साथ अब इसे हम कट कर लेंगे स्लाइसेस में, बहुत केयरफुली। प्रेस नहीं करना है, सी सॉ डायरेक्शन में आपको जाना है। तो ये मेरे जो सिनेमन के रोल्स हैं, इनको अब मैं एक ग्रीस्ड बेकिंग ट्रे में रख दूंगी दोबारा से तकरीबन 40 मिनट के लिए डबल राइज करने के लिए। और जब ये डबल राइज हो जाएंगे, मैं डाल दूंगी इनको अवन के अंदर 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर पकने के लिए तकरीबन 15 से 18 मिनट तक के लिए, या तब तक जब तक ये गोल्डन नहीं हो जाते। माय सिनेबॉन्स आर रेडी, बहुत अच्छे से ब्राउन हो गया है, क्रिस्प ब्राउन जैसे बिल्कुल मुझे पसंद है। और अब बारी आती है इसके लिए एक ग्लेज बनाने की। ग्लेज बनाना बहुत ही आसान काम है। मेरे पास है यहाँ पर ये आइसिंग शुगर, और अब इस आइसिंग शुगर में डालूंगी मैं बॉइलिंग हॉट वाटर 1-1 चम्मच कर, और इसे मिक्स करती जाऊंगी। इसमें मैं डालूंगी 2-3 बूंदें वनीला एसेंस की,
और साथ ही साथ में थोड़ा सा मेल्टेड बटर भी। सो माई ग्लेज इज रेडी और अब आप चाहें तो इन्हें लिफ्ट करके इसमें कीजिए डिप और ऐसे रख दीजिए, और नहीं तो एक स्पून की सहायता से आप इसके ऊपर इसे ड्रिजल भी कर सकते हैं। काफ़ी गर्म है और गरम गरम पे ही इसमें हमें ये लगाना है। जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा ये एकदम हार्ड हो जाएगा, एक क्रस्ट बना देगा। तो जब तक मेरे सिनेबन्स ठंडे होते हैं और इन पे होता है ये ग्लेज सेट, आप ले लीजिए जल्दी से इसका एक रीकैप। सिनेमन रोल बनाने की विधि। बोल में गरम पानी डालकर यीस्ट और शक्कर डालें और यीस्ट को एक्टिवेट होने के लिए 10 मिनट रख दें। दूसरे बोल में मैदा, शुगर, एक्टिवेटेड यीस्ट, मिल्क और एक अंडा डालकर सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स करें। मक्खन डालकर एक स्मूथ डो बनाएं। डो को एक घंटा रेस्ट करने के लिए किसी गर्म जगह रख दें। फ्लैट सर्फेस पर डो को रेक्टेंगुलर शेप में रोल आउट करके मेल्टेड बटर स्मेयर करें। फिर डालें सिनेमन शुगर मिक्स और रेजिन्स। डो को रोल करके 1 इंच के पीसेस काट लें। रोल्स को बेकिंग ट्रे में रखकर 45 मिनट के लिए राइज होने दें। फिर सिनेमन रोल्स को ओवन में 200 डिग्री पर 15 से 18 मिनट के लिए बेक करें। ग्लेज के लिए पानी में आइसिंग शुगर, वनीला एसेंस, मेल्टेड बटर डालकर मिक्स करें और हॉट सिनेमन रोल्स पर ग्लेज ड्रिजल करें। सिनेमन रोल्स को सर्व करें। सिनेमन रोल्स तैयार हैं। तो भैया हम तो चले 5 दिन की छुट्टी पर दिल्ली, और खाना भी कर लिया हमने तैयार सस्ते में, और जो बाकी के बचे हैं पैसे 1800 में से, उन्हें मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ दिल्ली में शॉपिंग करने के लिए। तो ट्रिप पे है जाना, पर फूड इज अप्लाइड। 100 की सेटिंग में खुशी खुशी कैच करो फ्लाइट। हेल्थ इन 100, हेल्थ इन 100।